अब बिहार की करते हैं, जहां पर कैमूर जिले में दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पीएचसी भवन परिसर में हेलमेट लगाकर स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति हेलमेट का उस समय प्रयोग करता है जब वो अपने वाहन को सड़क पर लेकर चलता है, लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही देखने को मिला। अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य कर्मी हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं। पीएचसी का ये भवन 40 वर्ष पुराना है, जो अपनी जर्जर स्थिति में बदहाली पर आंसू बहा रहा है, और इस जर्जर भवन में स्वास्थ्यकर्मी डर के साए में कार्य करने को मजबूर हैं। जर्जर भवन का प्लास्टर झड़ के नीचे गिर रहा है। आरसीसी सरियों के सीमेंट छोड़ने और प्लास्टर गिरने पर हर वक्त चिकित्सा कर्मियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मी और इलाज कराने आए मरीजों को भी डर बना रहता है। डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों और बेड का अभाव स्वास्थ्य विभाग और सरकार के महकमे का आईना दिखाने के लिए काफी है। मामले में डाटा ऑपरेटर कृष्णकांत तिवारी और लैब टेक्नीशियन ने बताया कि कई सालों में हम लोग पीएचसी के जर्जर भवन में कार्य कर रहे हैं। जर्जर भवन की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कई बार पदाधिकारी को शिकायत भी दी थी, लेकिन अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। उधर भवन को लेकर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शांति कुमार मांझी ने बताया कि आला अधिकारियों ने जल्द ही इस मामले को संज्ञान लेने का भरोसा दिया है। वर्क करते समय भी छज्जा गिरा हुआ है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे और हमारा ट्यूब भी फूट गया है और कांच का जो भी इक्विपमेंट है वो भी टूट गया और सर पर भी चोट आई। साधन संसाधन जो रखा हुआ है उसको भी तो नुकसान होता होगा। हाँ, साधन संसाधन जो रखा हुआ है, हमारी मशीनें हैं, लैब की मशीनें काफ़ी कीमती होती हैं और कांच का होता है, फाइबर का होता है, अब छज्जा गिरने से उसको काफ़ी नुकसान होता है।